हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों हम चल रहे हैं अभी एक दिल्ली का बहुत ही फेमस मॉल है, तो वहां का आपको पूरा सैर कराने वाले हैं। ये हमारी बस नहीं है दोस्तों, और शायद हमारी भी बस आने वाली होगी थोड़ी देर में। फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं हौजरानी बस स्टॉप पे और चलते हैं मॉल की तरफ। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का नज़ारा। सामने देख रहा है काफ़ी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है। आप लोग का स्ट्रक्चर देख के समझ चुके होंगे कि हम कहाँ आए हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी लखनऊ के लुलु मॉल की, तो अगर वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर ज़रूर जाके देखिएगा। और हम ये बस स्टॉप पड़ता है इधर हौजरानी के नाम से, तो इधर ही हम उतर गए हैं और इधर आ चुके हैं। तो लुलु मॉल तो जानते होंगे आप लोग कि वो लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल है और यूपी का भी सबसे बड़ा मॉल है। तो हम फाइनली ये दिल्ली आ गए हैं। दिल्ली में भी एक मॉल पड़ता है बहुत बड़ा, जो कि आप जानते होंगे कि सेलेक्ट सिटी वॉल्क के नाम से है, देख रहे हैं आप लोग। तो इसी को हम दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पे। वीडियो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो शाम के टाइम हम आए हैं, तो आपको यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी पता चल जाएगा कि कैसा नज़ारा रहता है शाम के टाइम। और वीडियो पे बने रहें दोस्तों। इसी के साथ देखिए दोस्तों खूबसूरत नज़ारा, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह भी ऑन हो गई है। तो हम चलिए एंट्री करते हैं। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट लगे हुए हैं इधर दोस्तों, तो देख सकते हैं आप लोग हरियाली भी काफ़ी अच्छी रहती है इधर की। काफ़ी अच्छा घूमने वाले, बच्चों के झूले वगैरह भी लगे हुए हैं इधर, तो बच्चे लोग आके एंजॉय कर रहे हैं। और इधर हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं और आपको चल के दिखाते हैं सीधा अंदर का नज़ारा। शाम के टाइम दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर, काफ़ी टूरिस्टिक प्लेस है और यहाँ पे फ्लाइट भी उड़ती रहती है। तो आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी जूम करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों पेड़ में जो है लाइटिंग जो किया गया है काफ़ी खूबसूरत दिखता है लाइट का सिस्टम, आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों। लखनऊ का लुलु मॉल तो काफ़ी खूबसूरत बना ही है, साथ में ये भी काफ़ी खूबसूरत मॉल है। आपको बता दें कि ये दिल्ली में जो है मेहरौली पड़ता है। मेहरौली जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते तो बता दूं कि ये जो इधर आपको काफ़ी टूरिस्टिक एरिया में आता है ये भी। और इस वक्त मैं मालवीय नगर में हूँ, मालवीय नगर के पास ये मॉल पड़ता है। तो मालवीय नगर जानते होंगे, कुतुब मीनार, मालवीय नगर और साकेत, ये सब पूरे टूरिस्टिक हम माने जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी फॉरनर आते हैं, तो आप लोग भी आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ का डेकोरेशन और सिस्टम आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। सामने से बाहर का कुछ इस तरह का नज़ारा है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों इसी के साथ और हम आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। यहाँ पे फाउंटेन वगैरह भी लगे हुए हैं, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए वीडियो को। काफ़ी अच्छा सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे लोग फ़ोटो वगैरह भी खिंचा रहे हैं। फाउंटेन वगैरह लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये फूल पता नहीं असली हैं या नकली हैं, देखता हूँ मैं नज़दीक से चल के कैसा है फूल। काफ़ी अच्छा नज़ारा है बाहर का ही दोस्तों, काफ़ी समय चाहिए बाहर टहलने के लिए। वाटरफॉल हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा ये भी लग रहा है पानी का, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा शाम हो गया इसलिए इसकी क्वालिटी उतनी समझ में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी इस पर पानी का जो है फ्लो हो रहा है लगातार। तो देखते हैं आगे दोस्तों क्या है। और भी आगे काफ़ी शॉप वगैरह इसमें हैं, कपड़े वगैरह आप ले सकते हैं जो यहाँ पे। काफ़ी अच्छा वाटर फ्लो हो रहा है दोस्तों, जो बता रहा था देख सकते हैं आप लोग, इधर क्लियर दिख रहा होगा वाटर फ्लो आपको। और सामने मेरे एक यहाँ पे भी मॉल है, इसमें शॉप वगैरह है, बच्चे लोग इंजॉय कर रहे हैं इधर। काफ़ी टूरिस्टिक प्लेस है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। ज़्यादा कुछ बताने वाला तो है नहीं इसमें कि कुछ बताने वाला आपको है, बाकी वीडियो पे आप लोग बने रहें, देखते हैं क्या है आगे और कुछ अमेजिंग है। अब आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा कि लखनऊ का लुलु मॉल सबसे बड़ा है।
या फिर ये सिटी मॉल दिल्ली का। दोस्तों वैसे लखनऊ का भी मॉल किसी से कम नहीं, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे इधर अभी तक जो देखा हूँ मैं। बाहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी शानदार है। और ये लग रहा है मेन बिल्डिंग है मॉल की। ये ट्रेन है, काफ़ी अच्छी राइडिंग वगैरह कर सकते हैं। और इधर भी आपको मिल जाएगा, ये रोबोट है आपके सामने। बाकी दोस्तों पता ही होगा आप लोग को कि अंदर का कैसा है यहाँ का नज़ारा। अंदर वही नॉर्मल सा होता है जैसे हर मॉल में होता है, दिखाने का क्या है। हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आप लोग आना चाहे यहाँ तो हौज रानी बस स्टॉप पड़ता है, तो वहाँ से सबसे नज़दीक पड़ेगा ये, आप हौज रानी उतर सकते हैं। 534 नंबर बस है जो मेहरौली टर्मिनल या IGI इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के नाम से बस आती है, जो कि आपको बता दें कि वो दिल्ली की तरफ से आती है जो है। आप जैसे न्यू दिल्ली में हैं, कहीं निज़ामुद्दीन के आसपास हैं या ओखला या उधर से आते हैं, जैसे आप आनंद विहार रेलवे स्टेशन से आएंगे उधर से, तो आपको मिल जाएगी वहाँ से 534 नंबर। आनंद विहार से भी मिल जाती है और दिल्ली के अंदर से भी उधर से आती हैं बसें। तो हम चल के अंदर देखते हैं। ये दोस्तों सेलेक्ट सिटी वॉल्क, दिल्ली का भी एक फेमस मॉल। वैसे दोस्तों मैं मॉल वगैरह का वीडियो बनाने मुझे उतना मज़ा नहीं आता। मॉल वगैरह में ज़्यादा कुछ दिखाने लायक तो होता नहीं, आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से कि क्या चीज़ें हैं यहाँ की, स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग वगैरह कैसी बनी हुई है, और आप लोग खुद एंजॉय कर सकते हैं आके यहाँ पे। बाकी अलग अलग चीज़ों का आप लोग फील कर सकते हैं यहाँ पे, चीज़ों को फील करना होता है खुद से, तो आप लोग फील कीजिए। बाकी मैं जो कुछ होगा बताने लग तो बताऊँगा ये वीडियो में। यहाँ पे जो है बुद्धा का स्टैचू बना रखा है, तो देख ले होंगे आप लोग। ये भी दोस्तों काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है इधर से नज़ारा, आप लोग देख रहे होंगे। बाहर का दोस्तों बहुत वीडियो आपको दिखा लिया, सोच रहा हूँ चल के आपको अंदर को दिखाता हूँ अंदर का सीन, तो बने रहें वीडियो पे। यहाँ पे 4-5 गेट है, तो गेट नंबर D से जो है चल रहे हैं अंदर की तरफ, तो देखते हैं। इस तरह का नज़ारा है, तो देख सकते हैं दोस्तों ये है कुछ अंदर का नज़ारा। ये मॉल का दोस्तों सबसे टॉप फ्लोर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। एक सेक्शन और है, देखते हैं चल के ऊपर क्या है सिस्टम। यही सब है दोस्तों, और क्या बताएं, अब ज़्यादा कुछ देखने लायक तो है नहीं। आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग काफ़ी समझदार हैं, यहाँ पे कपड़े जूते चप्पल फर्नीचर और होम अप्लाइंसेस वगैरह ले सकते हैं। तो हम चल रहे हैं बाहर की तरफ अब। यहाँ पे कपड़े के अलावा ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है, कपड़े सोज और जो कुछ भी है आप लोग देख सकते हैं, उसके अलावा बहुत कम ही चीज़ दिखाई पड़ रहा है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, तो उसी के साथ हम जो है चलते हैं बाहर की तरफ, एग्जिट नंबर 1।
आप लोग देख रहे होंगे कि हमने पूरा आपको दिखा दिया। तो आप लोग बाहर का दिखाते हैं नज़ारा कैसा है, चलते हैं बाहर की तरफ। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि हम उधर से एंट्री किए थे जहाँ पे वो सिटी वॉक लिखा हुआ है उस मेन गेट से, और हम पूरा घूमते घूमते इधर आके ये जो गेट है बुद्धा के सामने, इधर बुद्धा के सामने वाले गेट से मैं बाहर आ गया हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, और आपने देखा आई होप आपको नज़ारा यहाँ का अच्छा लगा होगा। सबसे लास्ट एग्जिट इधर ही है दोस्तों, इधर से आप होते हुए पूरा ऐसे इधर होते हुए ऐसे आप निकल सकते हैं यहाँ के, ये बाहर निकलने का पूरा। अब चाहे उधर से एंट्री करें चाहे इधर से एंट्री करें, काफ़ी ये ऊंचाई में कम है लेकिन काफ़ी दूर भर में फैला हुआ है, और तीन फ्लोर है कम से कम, तीन चार फ्लोर। और यहाँ पर ट्रेन वगैरह भी चलती है तो आप तो ट्रेन राइड का भी मज़ा ले सकते हैं। तो एक बार दोस्तों चलते चलते आपको फिर से बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ, और आप लोग वीडियो पर बने रहें उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा मॉल था दोस्तों, पूरा हम घूमे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग ज़रूर बताना कि लूलू मॉल और इसमें कौन सा वीडियो आपको ज़्यादा बेहतर लगा। ये रात का सीन है दोस्तों, रात का नज़ारा कुछ इस तरह से है। यहाँ पे रात हो चुकी है पूरी तरीके से, आप लोग देखें। ये है दोस्तों बाहर का नज़ारा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये ऊपर आपको दो वीडियो दिख रहा होगा, इसमें से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।